सो हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स मॉल। तो ये मेरा है आउटफिट जो मैं आज पहनकर जाने वाली हूँ फिनिक्स मॉल में, और ये पर्स कैरी किया है मैंने। तो और अब मैं एरी का लुक बताऊंगी आपको कि हम लोग फिनिक्स मॉल में क्या पहन के जा रहे हैं, और मतलब कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वो आपको बाद में वीडियो में पता चलेगा। सो ये है एरी का लुक और रहे तो अब हम जा रहे हैं फिनिक्स मॉल के लिए। सो सी यू गाइस देयर। सो हम लोग अब घर से निकल चुके हैं और फिनिक्स मॉल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। ट्रेन में बैठ चुके हैं कहाँ जाने के लिए? कुरला जाने के लिए अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ट्रेन पूरी खाली, अभी स्टार्ट होगी, चल। हाय, बोलो हाय, बाय। सो हम लोग फाइनली ऑटो में बैठ चुके हैं फिनिक्स मॉल जाने के लिए, और इतनी टाइम में इतनी गंदी धूप हो रही है कि अभी से ही पसीना हमको बहुत आने लगे है। ये इनके पसीने बहुत आ गए, मेरे खुद का पसीना बहुत आ गया है। सो लेट मी शो यू धूप। ये देखो कितनी धूप हो रही है, इस धूप में हमारी वाट लग चुकी है और हम बहुत पसीने में तरबतर हो गए। फाइनली हम आ गए हैं, ये है फिनिक्स मॉल, और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब उतर के अंदर का मॉल बताएंगे कैसा है कैसा नहीं है। सो फाइनली इतना ट्रैवलिंग के बाद में हम लोग देखो बाल वाले से हो गए, मेकअप मेरा पूरा ही झड़ गया, मैं लाली वाली सब चाट गई। तो अब फाइनली हम आ गए हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि फिनिक्स मॉल दिखता कैसा है। तो ये आ गए हम फिनिक्स मार्केट सिटी, जहाँ पे कोविड की चेकिंग हो रही है। हाँ, वैक्सीनेशन की चेकिंग हो रही है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, मतलब अरेंजमेंट नहीं, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम घूम के जाने का है। और यहाँ गर्दी खड़ी है। चेकिंग हो गई एरी की भी, हम लोग अब चेकिंग लेके, और ये है एंट्रेंस। एंट्री मारो तो ऐसे है पूरा बड़ा अच्छा सा, और यहाँ पे भी कुछ कुछ है। तो ये आ गया है मेन्यू कि मतलब आप एंट्री मारोगे तो आपको दिखेगा पूरा कि कहाँ पे क्या जाना है, शॉपिंग वॉपिंग का, वुमेन्स फैशन, और वो अब हमें खाने का दिखना है बिकॉज हमें बहुत भूख लग रही है। तो सेकंड फ्लोर पे हमें पता चल गया फूड कोर्ट है, तो एंट्रेंस। सो हम अभी भागे भागे जा रहे हैं खाने की तरफ, और ये भी है चीज़ें चल रही है। तो वन स्टॉप सो या एज सो एंड अनदर। सो मैं वॉशरूम आ गई हूँ हैंड वॉश के लिए। ओह वाओ, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेशन ऑफ पीकॉक which has been established in between of the mall. Mera phone na gir jaye bas. Yeah, bye. Samne ye chicken se li hai, wo piche dikha do chicken ka. Chicken. Haan, samne maasi ek chota sa meal li hai. Aur ab hum apna chhole bhature ka wait kar rahe hain, kyunki abhi humne chhole bhature ka bhi order kiya hai. To kursi pakadna zaruri hai. And finally. सो रिफ्रेशिंग, सो डिलिशियस। सो हमारा ऑर्डर आ चुका है छोले भटूरे का, और एरी अब लेकर आ रहे हैं। ए बल्ले बल्ले, दिल्ली के छोले भटूले। एरी को काफी मन था छोले भटूरे खाने का, फाइनली वो अपना छोले भटूरे खाएंगे। सो डू यू वांट टू स्टार्ट? या स्टार्ट। कोल्ड ड्रिंक पिया आपने? अच्छा, सो ये गई कैसा टेस्ट? अच्छा है ना, याद आ गई अपनी दिल्ली की। पर एज यूजुअल आफ्रा टिश्यू चोरी करते हुए।
एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, वो हमें फ्री का मिलता है, हम उसको पैसा देते हैं, तो छुड़ाना तो लाजमी है कि हमें पसीना है तो हम छुड़ाना। सो फाइनली छोले भटूरे ख़त्म, पैसा हजम, अब एरी छोले खा रहे हैं। और ये हमने लिया था स्ट्रीट फूड्स बाय पंजाब ग्रिल, यहाँ से छोले भटूरे की प्लेट ली थी। अब इसके बाद हम बताएंगे और क्या खाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा रहे हैं ताकि पेट खाली रहे और हम और चीज़ें खा सकें। मतलब अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएगा आपको 69 रुपीस में एक मसाला मैकिंग बर्गर और एक कोक फ्रूट, और ये टेबल बहुत ही बढ़िया। और ये होता है नतीजा मैकफ्रूट खाने का, आइसक्रीम आइसक्रीम खा के अरे का दाद सुन चुका है पूरा एकदम, और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ दिया है। वापस से कंटिन्यू गुड गुड दैट इज वेरी, और अभी छानबीन चालू है उसमें आइसक्रीम क्या बोलते हैं उसको, हाँ आइसक्रीम ढूंढ रहे हैं क्योंकि आइसक्रीम कोक में मिक्स हो चुकी है, कैसे पसंद आ सकता है किसी को ये, बट एडिक पसंद आता ही है। मैं तो अपना बर्गर एंजॉय करूँ लेकिन बहुत गर्म है और मेरी दाँत बहुत सेंसिटिव हो चुका है, तो गर्म गर्म खाने को दुख रहा है, एडिक का ठंडे से दुख रहा है, मेरा गर्म से दुख रहा है। और ये एडी जा चुकी है अलग ही दुनिया में गई आइसक्रीम खा के, ठंडी ठंडी आइसक्रीम नहीं नहीं बाबा पहले से मेरे दाँत चुके हैं। अब फाइनली ये खत्म करें, खाना पीना तो हो चुका है, तो आज का जो हमने मेन्यू किया था वो बहुत अफोर्डेबल रेट्स में हमने मतलब वो किया कि मतलब हर जगह से हम एक ही जगह से ज़्यादा ना खाए, हर जगह से हम ट्राई कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने पहले स्किन से छोटा सा मिल लिया था 159 का, जिसमें एक सब आया था वेज चिकन पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद एरी को छोले भटूरे खाने का तो वो आया 169 का था वो जो मैंने दिखाया था, और अभी यहाँ पे एरी को मैक फ्लोट पीनी थी तो इसकी वजह से 69 में एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक आ गया हमारा। अब इसके बाद हम थोड़ा चलेंगे क्योंकि मॉल बहुत बड़ा है लिटरली, तो वो घूम फिर के बाद में हम बताएंगे कि उसके बाद हमारी क्या प्लानिंग है, हम क्या खाने वाले, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा हजम कर ले, पेट में जगह कर ले, फिर और भी चीज़ें नई नई चीज़ें हम ट्राई करेंगे जो हमने ट्राई नहीं किया, ये सारी चीज़ें हम खा चुके हैं, तो अच्छा बात बताएंगे। सो एरी और मेरे बीच में एक चैलेंज लगा है क्योंकि मैंने मैक फ्रूट के साथ में बर्गर भी लिया है जो कि अब मेरे से खाया नहीं जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेट बहुत भरा है, तो अब एरी मुझे जाके बताएंगे कि मैक फ्रूट सेपरेटली मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं मिलेगा इसके लिए मैंने बर्गर भी ऑर्डर कर लिया, तो अब वो जाएंगे पूछेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चैलेंज एंड आई फील लाइक उनको शायद से मिल गया है कोल्ड ड्रिंक और मेरा पचका हो गया है क्योंकि वो पेमेंट कर रहे हैं और बार बार भी कर रहे हैं, आई गेस स्मार्ट बन के भी नहीं ये पूछे कि भैया मैक्रोड हो गया कि सिंगल में, हाँ इसके मैंने बर्गर ले लिया मेरा पेट भरा है और उन्होंने हाथ में मना कर दिया, वो एक कोल्ड ड्रिंक और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। एंड हियर ही कम्स विद अ बिल एंड ही ऑलरेडी डिड अ पेमेंट किया, तो इनको मैक्रोड मिल गया, मिली सेपरेटली तो जस्ट 45 में ये बहुत ज़्यादा खुश होगा, इसलिए हमें एक बर्गर और कोल्ड्रिंक मिले उसमें खुश मिले। बर्गर वो भी थोड़ा क्या जाओगे उसमें मिलना भी जोड़ और बर्गर खाली मिल रही छोड़ो, तो एरी को फाइनली मिल गया और मेरा पचका हो गया बहुत बड़ा वाला। वाह सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा अच्छा सा फेस टकले पे उसने बहुत सारे पता नहीं क्या कैंडल्स चला के रखे अपने, तो ये हम नीचे जाके रिकॉर्ड करेंगे बाद में वापस से। अभी क्या बोले वो आप 45 रुपीज़ में सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आए और मैंने 25 रुपये एक्स्ट्रा में से 25 रुपये में अंडे वाला बर्गर लेकर आई, जो खाया नहीं जाता था और वो अब इतना खत्म ही हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है, और जान मुझके इन्होंने मेरे को ये ठुसवाने में लगाया बर्गर ताकि मैं आगे और कुछ ना खा सकूँ, मेरा पेट इससे बढ़ जाए। हाँ तो वीडियो बन रही है आज। सो यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई है, मैं भी दिखाती हूँ आपको, ये सब घूम रहा है, डिस्को बॉल है, डिस्को बॉल और ऐसे पता नहीं कितने सारे बॉल्स हैं, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्या ये दो मूर्तियाँ बैठी है बेचारी झुक के टांग पकड़ के अपनी चूड़ी बूढ़ी पहन के, अच्छा डू नॉट टच, हाँ समझ में आता है, पढ़ने आता है मेरे को भी, पढ़ने मुझको भी आता है, और ओ बीच में भी कुछ है, लेट मी शो यू गाइस, वो बीच में जो है ना वो सफ़ेद पुतला, ये पुतला है और दो पुतलियाँ हैं दो पुतलियाँ हैं आई डोंट थिंक इट्स रिमोटली फनी। देखिए हाय बोलिए मैम, देखो दिखा अपना
कूद जा। है पता नहीं क्या क्या पॉइंट्स है, बहुत अच्छे से पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें लगाई गई है, रेंडियर भी है शायद से। और नीचे ये देखोगे ये कितने ब्यूटीफुल ये सब फ्लावर्स है, नीचे से भी वीडियो बनाऊंगी फिर दिखाऊंगी। और ये आप भाग गया, पता नहीं क्या हो गया इसे। बस गया मैं। लुक एट दिस ब्यूटी, सो शिमरिंग, इतने अच्छे से, इतने मतलब फूल है और प्लस पूरा लाइट जल रही है और सिल्वर कलर की पता नहीं क्या चमकी वमकी लगी है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये है खोपड़ा, खोपड़े के ऊपर है हाथ, ये काली काली की फोटो आ रही है। दूर जाओ, दूर जाओ, अब याद देखोगे तो चुनो चुनो हाथ दिखेंगे और सबके हाथों में से दिए है। और इसने इतने हाथ अपने सर पर रखे है बेचारा, क्यों टकला पहले से, उसके ऊपर से इतने दिए लटका के, वो भी हाथ वाले, ऐसा कुछ बना है यहाँ पे। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, पीकॉक की क्या बोलते उसको, रथ, रथ नाव होती है, नाव, हाँ पीकॉक वाली, इतनी खूबसूरत गोल्डन में नाव, और तो चप्पू भी उसके साथ में, और प्लस ये डालने वाला भी है वो रुकने वाला एंकर, थैंक यू। और पेटल्स और लोटस वाले पानी नहीं है, एक्चुअली टाइल्स है एक्चुअली, और ये इतना खूबसूरत लग रहा है, बड़े नकली है। ये है घोड़ा बिना टांगों वाला, पता नहीं हाथ पर कटा हुआ ना, इसका मतलब आधा धड़ भी नहीं है, सॉरी टांग तो नहीं है, पीछे से वो भी है, पता नहीं आदमी कैसी बैठ के उसके ऊपर चल रहा है ऐसा। ये तो घोड़ा भूत है, भूत घोड़ा, ओह भूत घोड़ा नहीं है, आदमी का भी पेट फटा हुआ है, इसका इंटेस्टाइन फिंटेस्टाइन सब गायब है, अतड़िया ही नहीं है इसकी तो, किडनी लिवर किडनी स्टोन ये कुछ भी नहीं है, किडनी स्टोन भी नहीं है इसकी। भूतिया घोड़ा, भूतिया चल रहा है। Here comes our coffee culture, अब हम जा रहे हैं कॉफी पीने। अच्छा फोटो के लिए मजा नहीं आ रहा, वो बात ही नहीं है तो शक्ल चेंज कर गया ना, पहले आप अपनी लगाओ बढ़िया, कहाँ जाओ क्या कह रही है तू, बंचोड़दास को ढूंढ रही है, शेक भी है लेकिन मैंने कहा शेक से पापलेट, अरे वाह ये क्या है, के तो बिगिनर्स, के तो पनीर चिली, के तो रेशम चिकन टिक्का, के तो ग्रिल पेस्ट पर चिकन, के तो तवा पनीर, के तो पास्ता बुकिनी, के तो अरेबिया तो चिकन नूडल्स, के तो ग्रिल पेस्ट पर पनीर पिज्जा, के तो रेशमी रेशमी कैफे आयरिश, थैंक यू। कैफे आयरिश मेन्यू में देख लीजिए ना, स्टीमिंग थ्री लेयर लाटे विद आयरिस सिरप, द आयरिस सिरप थ्री कलर की लेयर्ड है लाटे। क्या हुआ तो यही तो कॉफी है वो, कड़वी कॉफी और क्रीम, बस कॉफी ऐसी ही होती है। कैफे आयरिश, कैफे का नाम नहीं है कॉफी का नाम है। दूसरों का मजाक, पैर रख के पूरा दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोगों के साथ ना ऊपर वाला यही करता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं अंसारी फैमिली छितर बितर होते हुए, बेटा ये जो तेवर है ना हमारे खून में है, सारा टशन धरा का धरा रह जाना है तुम्हारा। एंड हियर इज लव मुंबई कल्चर, ये देखो इधर भी टिश्यू चुरा रही है ये लड़की, कितनी मतलब शानी है ये देखो। तो गाइस फिनिक्स मॉल आओ तो कॉफी कल्चर आना मत भूलना, यहाँ कॉफी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉफी दैट आई हैव एवर ट्राइड, ट्राई द कैफे आयरिश, इट हैज अ रियली डिसेंट फ्लेवर एज यू कैन सी अ लिटिल बिट स्वीट, जस्ट मिक्स इट वेल। ओके।
सो नाइस एंड सो ब्यूटीफुल झालर मोती है, पाइप्स एक्चुअली लटक के, अभी इसके अंदर से पानी गिरेगा। अभी उसके अंदर कुछ जाओगे डीजल में। ये थॉर अपना हथौड़ा लेके कहाँ जा रहा है? लास्ट टाइम ना फरीन का कॉल आ रहा है, मेरे भी ले लो जितना अच्छा सा भूख है। उसके अंदर पेंसिल है, मेरा मुंह भी है। अब है तो देख सकते हैं आप आफ्रा इलीगल काम करते हुए। वो क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे नहीं जाना अलाउड है ना, वो ऐसा बना के रखते हैं ना, उसी ना घुस जाने का। अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं घर, फाइनली हम फिनिक्स मॉल से घूम चुके और अब घर जा रहे हैं। और अब हम ऑटो में बैठे हैं और ये मैंने बोतल ली है, एरी को मैंने गिफ्ट की है बोतल। थैंक यू सो मीनी 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 माई नी मो। देगी ना पीने देगी। सेम ड्राइवर जैसा मुझे लगता है, जब ऐसे चढ़ा देते ऐसे चढ़ा देते। फाइनली हम लोग आ चुके हैं सोसाइटी में और अब लिफ्ट में घुस गए हम भी और एरी भी। दो ही जने मतलब, और बाल पूरे बिखर गए, बहुत 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 थक गए। बाय टाटा। ओके गाइस, सो अब हम देखने जा रहे हैं कि आफ्रा ने आज कितने टिश्यू ढापे हैं। सो लेट्स सी, 1 2 3 कुछ नहीं बोलते उसको, कुछ नहीं है टिश्यू, टिश्यू इज टिश्यू। अरे नहीं टिश्यू तो मतलब हम पैसा दे रहे तो ये मतलब फ्री वाली चीज है, हम कितना भी यूज कर सकते हैं और कितना भी वाइप कर सकते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट टाइम चकोड़े चकोड़े चलूंगी, चकोड़े चलूंगी तो चकोड़े तलूंगी तो फिर मैं इसको यूज करूंगी। हां अभी घर पहुंच चुके हैं और चेंज करके मैं बैठ गई अभी तो, अब मैं बाहर जाऊं। सो गो एंड स्लीप, गुड नाइट टाटा, बाय बाय।